हरियाणा के महेंद्रगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर एक भीषण हादसे की जानकारी। स्कूल बस पलट गई, 5 बच्चों की मौत हो गई है। करीना दादरी रोड पर यह हादसा हुआ। और सबसे बड़ी बात कि आज ईद का मौका है, छुट्टी का दिन था, लेकिन इसके बावजूद स्कूल आखिरकार कैसे खुला था, यह सवाल उठ रहा है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। स्कूल बस पलट गई, 5 बच्चों की मौत हो गई है, कई बच्चे ऐसे जो कि जख्मी बताए जा रहे हैं। 40 से ज्यादा बच्चे उस वक्त इस बस में सवार थे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। चीख पुकार वहां पर मच गई। महेंद्रगढ़ से ये पूरा मामला सामने आया है। थानेश्वर मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। थानेश्वर, फिलहाल वहां पर स्थिति क्या कुछ है, और छुट्टी के दिन स्कूल का खुलना ये भी सवालों को जन्म देता है, 5 बच्चों की जान चली गई। देखिए, प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल वाले जो है ईद की छुट्टी पे हमेशा स्कूल खोलते हैं। यहाँ भी हरियाणा की अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम स्कूल जो निजी स्कूल है वो सब खुले हुए हैं। आज जैसे ही स्कूल बस में बच्चे सवार होकर स्कूल के लिए रवाना हुए तो रास्ते में ओनहानी गांव पड़ता है, ये महेंद्रगढ़ के करीना कस्बे के पास, वहां पर जो है बस अचानक ही बैलेंस बिगड़ गया बस का और बस पलट गई। इस हादसे में 5 बच्चों की मौत हो गई है और 15 गंभीर रूप से घायल है। और अभी जो सूचना आ रही है कि जो ड्राइवर था कह रहे हैं कि वो थोड़ा नशे में था। अभी ये क्या नशे में था या वाकया नहीं था, इसकी अभी पुलिस जांच कर रही है, लेकिन हादसा इतना भयंकर था कि 5 बच्चों की ऑन स्पॉट ही मौत हो गई और 15 घायल हो गए, जिनमें से कि 10 की जो हालत है वो अभी बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने सभी बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। और शिक्षा विभाग भी इस मामले की जांच कर रहा है कि जब राष्ट्रीय छुट्टी है आज ईद की तो निजी स्कूल क्यों खुले हुए हैं। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी क्योंकि थानेश्वर सामने आ रही है, आप जानकारी दे रहे हैं कि 15 बच्चे ऐसे हैं जो कि जख्मी हैं, जिनमें से 5 की जो कंडीशन है वो बहुत क्रिटिकल। आप एक बार उन तस्वीरों को देखें कि कैसे बस के पूरे परखच्चे उड़ गए, जिससे पता चलता है कि हादसा कितना भीषण था। लेकिन अब सवाल ये थानेश्वर, क्योंकि जो जानकारी आपने दी कि संभवतः जो बस का चालक था वो नशे में था, अब तो बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठेंगे, और खास तौर पर जिन स्कूल बसेस के जरिए बच्चे स्कूल को जाते हैं वहां के ड्राइवर्स को क्या पहले चेक नहीं किया जाता है, क्या पहले ये सुनिश्चित नहीं किया जाता कि ड्राइवर्स की कंडीशन कैसी है। देखिए, अभी जो जानकारी निकल के आ रही है कि काफी लंबे समय से ये ड्राइवर जो था इस बस का स्कूल बस को ड्राइव कर रहा था, लेकिन अभी जो पुलिस की प्राथमिक रिपोर्ट में आ रहा है कि पुलिस ने नशा किया हुआ था, पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और उसके मेडिकल करवाया जा रहा है। मेडिकल के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि उसने नशा किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, क्योंकि अभी जो वहां लोग मौजूद थे उनका कहना है कि ड्राइवर सीधे तरह बात भी नहीं कर पा रहा था। अब ये भी हो सकता है कि इतना भयंकर हादसा हो गया उससे भी ड्राइवर थोड़ा अनबैलेंस हो सकता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया हो, लेकिन उसके मुंह से जो बताई जा रही है कि शराब की स्मेल आ रही थी, जो वहां प्राथमिक लोग जो वहां लोग मौजूद थे उनका कहना है। अब जैसा कि आपने कहा कि सुबह बच्चों को ये ड्राइवर को चेक करना ये प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाता, क्योंकि ड्राइवर का रूटीन का काम है। अब रूटीन में सुबह सुबह पहले ड्राइवर का मेडिकली चेकअप करना कि वो नशे में है कि नहीं है ऐसा संभव नहीं होता, लेकिन जो अथॉराइज्ड ड्राइवर होते हैं, जो कि एक ट्रेनिंग होल्डर ड्राइवर होते हैं, वो निजी स्कूल। ठीक है, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ेगी तो क्या बात सामने आएगी वो देखना होगा। थानेश्वर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 20-25 बच्चों का चोट है, अब उनकी क्या पोजीशन है, हॉस्पिटल में पहुंचा दिए गए हैं बच्चे। अब डॉक्टर बताएंगे कि ज़्यादा चोट भी है कुछ, तो बाकी 20-25 बच्चों के चोट नहीं है। हाँ, आपकी अभी नहीं कह रहे हैं कि एक दो बच्चे से कुछ है, बाकी ज़्यादा तो पता हो, बता रहे हैं कि ड्राइवर ने कोई शराब वगैरह पी लिया।